हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारी जो क्लास चल रही है उसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली थी। एक हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बच गई है, वो क्या है हमारी? हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस कर्व आपने पढ़ा होगा, अगर आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, जो भी हमारे 10th के 12th के बाद आए हैं उन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें पढ़ा होगा हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, हिस्टेरेसिस क्या होता है, ये भी क्या है, एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंस्ट्रूमेंट की, कि हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो हमारा कैसे बनता है। तो हिस्टेरेसिस जो है वो अपन क्या बोलते हैं हमारा, इट इज द फिनोमेना विद सोर्स डिफरेंट आउटपुट effect when loading एंड अनलोडिंग। ओके, मतलब हम किसी सिस्टम को लोड कर रहे हैं, मतलब बार बार उसको लोड कर रहे हैं, फिर अनलोड कर रहे हैं, तो उसमें जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। मतलब अब लोडिंग अनलोडिंग, बार बार लोड करना फिर अनलोड करना, तो वो डिफरेंट आउटपुट इफेक्ट देगा, वो क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है। ओके, जो हिस्टेरेसिस कर्व है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बीएच कर्व के नाम से भी जानते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व को किस कर्व के नाम से जानते हैं, बीएच कर्व। मतलब बी और एच के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो कर्व बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बीएच कर्व। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई, अपन कर्व कैसे समझते हैं कि बीएच कर्व एक्चुअल में होता क्या है। तो इट इज अ फिनोमेना विद सोर्स डिफरेंट आउटपुट इफेक्ट वैन लोडिंग और अनलोडिंग। अगर अपन किसी सिस्टम को लोड करते हैं, लोडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में कोई भी सामान है, मतलब जब अपन मीटर लगवाते हैं तो वो अपन से पूछते हैं ना कि क्या क्या आप यूज करते हैं, कितने पंखे, कितने कूलर, कितने। तो अगर अपन लोड बार बार बढ़ाएं या कम करें तो जो हमारा आउटपुट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, अगर लोड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो क्या होता है, कम हो जाता है ना, डिप हो जाता है, ठीक है, या बढ़ जाता है। तो लोडिंग अनलोडिंग, बार बार बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा हिस्टेरेसिस कहलाता है। ठीक है, अब अपन हिस्टेरेसिस कर्व समझ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है उसको बीएच कर्व बोलते हैं। ये हमारा किस किस के बीच में बनता है, बी और एच। ओके, ये एच और बी के बीच में बनता है। एच क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो जो बीएच कर्व है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में बनता है। तो जब आपने मटेरियल पढ़ेंगे आप कहीं पे भी, ठीक है, हम उसके बारे में आपको यहां नहीं बताएंगे, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीएच कर्व होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है। जो मटेरियल होते हैं वो हमारे पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक होता है। ये आप मटेरियल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, हम इनके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बीएच कर्व के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों पे बीएच कर्व एप्लीकेबल नहीं होता है, बीएच कर्व केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, एक उसमें अरेंज हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है इनके बारे में भी अपन को पढ़ना होता है कि जो बीएच कर्व है वो कौन से मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, तो बीएच कर्व जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम में, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे H बढ़ेगा 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 वैसे वैसे B भी बढ़ेगा, बट एक पॉइंट आएगा उसके बाद क्या होगा, आप H कितना भी बढ़ा लीजिए B हमारा क्या होगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, यहां से अपन एच इंक्रीज कर रहे हैं तो बी भी हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बट एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को बोलेंगे सेचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, हमारा जो एच है वो हमारा बी जो है वो बढ़ना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा अपन एच को नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, धीरे 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 उसको कम करना स्टार्ट करेंगे, एच को अपन क्या करेंगे धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेंगे हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा ऐसा जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट जब एच क्या होगा जीरो होगा, बस इस टाइम पे भी बी जो है वो हमारा क्या होता है जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाता हमारा रिटेंटिविटी, ये ओ मान लिया सपोज, ये ए है ये बी है हमारा, तो जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा बी भी इंक्रीज होगा, बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन इंडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ये सेचुरेशन पॉइंट होगा, मतलब ये मैक्सिमम, इसके बाद अपन इसको नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे धीरे धीरे फिर से कम करने की कोशिश करेंगे, एच तो जीरो हो जाता है बट बी हमारा जीरो नहीं होता है, तो ये जो होगा वो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जीरो होने पर भी ये इतना रहता है। फिर अपन क्या करेंगे एच को धीरे धीरे क्या करेंगे नेगेटिव लाएंगे, ठीक है, एच को धीरे धीरे नेगेटिव लाएंगे, तो ये हमारा इस टाइप से रिड्यूस होगा हमारा, ओके। फिर ये इसको अपन कितना नेगेटिव ले जाएंगे, ये हमारा ऐसा जाएगा, फिर ये हमारा इस टाइप से बनता है ग्राफ, ओके। तो ये जो होगा ये एच में मैक्सिमम, ये नेगेटिव में मैक्सिमम होगा कि अपन इसको रिड्यूस करके, मतलब नेगेटिव साइड इतना ले जाएंगे हमारा, इसके बाद मतलब ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा, बट इसके बाद फिर से होगा क्या कि एच हमारा क्या हो रहा है कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब ये हमारा बी क्या होगा कम हमारा नहीं होगा। फिर अपन इसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे फिर से बी बढ़ेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस टाइप का ये जो ग्राफ बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बी एच कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो मेन अपन को समझना है ये चीज, ये जो है वो क्या है हमारी रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जब अपन किसी भी सिस्टम को, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है ना किसी भी मेजिंग सिस्टम की, तो किसी सिस्टम को एक सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी रह जाती है। फिर अपन उसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में यूज करते हैं तो ये जो रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी है इसके कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जनरेशन होने लगता है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ने लगता है। तो बी एच कर्व बी और एच के बीच में बढ़ता है, जैसे जैसे एच को इंक्रीज करेंगे बी भी हमारा क्या होता है इंक्रीज होता है, बट एक फिक्स पॉइंट तक, उसके बाद अगर एच इंक्रीज करते हैं तो बी इंक्रीज नहीं होता है, सैचुरेशन पॉइंट। फिर अपन धीरे धीरे एच को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, तो बी भी रिड्यूस होता है बट बी जीरो नहीं होता है। तो ये जो होता है कि एच जीरो है बट बी ये रह जाता है, तो ये रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी, ये बस समझना जरूरी है कि रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, क्योंकि जब आप आगे कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें अगर मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अपन बोलते हैं कि उसमें पहले से कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण उसमें क्या हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, वो बढ़ती जा रही है।
तो यहीं से आती है वो, कि उसमें कुछ मैग्नेटिक जो है वो इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना ये जो है वो स्टोर है। इसके कारण क्या होता है, फिर अपन जब भी इसको किसी दूसरे सिस्टम में यूज करते हैं तो वो इसी के कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, फ्लक्स हमारा जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा बीएच का, कि बीएच का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे होता है। क्यों ये हमारा ऐसा मतलब जीरो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके जो डोमेन्स होते हैं वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे जैसे एच बढ़ता है वैसे वैसे एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, बट जब अपन इसको क्या करते हैं निगेटिव लाते हैं तो ये हमारे फिर से इधर उधर हमारे अलाइन नहीं हो पाते, कुछ हमारे बच जाते हैं, उसके कारण ही ये जो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन एच इंक्रीज करते हैं बी भी बढ़ेगा, ऑल डोमेन अलाइन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे जैसे हमारा एच बढ़ता है, यहाँ से एच बढ़ा रहा है बी भी बढ़ रहा है, तो जो भी इसके डोमेन है ऑल डोमेन अलाइन हो जाएंगे इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये कोई भी मटेरियल है तो इसके जो सारे के सारे डोमेन है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, बट जब अपन एच को कम करेंगे, मतलब यहां से एच क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं निगेटिव, तो बी हमारा क्या होगा रिड्यूस होगा, लेकिन ऑल डोमेन जो है वो हमारे क्या है अलाइन है, तो कुछ डोमेन रह जाएंगे, सारे के सारे डोमेन जो है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हो नहीं पाएंगे, कुछ डोमेन अलाइन रहेंगे, तो उसके कारण क्या होता है ये जो बी होता है वो क्या होता है जीरो नहीं होता है, जिसके कारण ये रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है जो कि अगले किसी सिस्टम में अगर अपन उसी सिस्टम को यूज करें तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा हिस्टेरेसिस के बारे में, कि हिस्टेरेसिस क्या होता है, बीएच का क्या होता है, कौन से मटेरियल पे अपन एप्लीकेबल होता है। तो ये एरिया जो है हमारा, ये जितना ज्यादा होगा हमारा लॉस, ये जो है ये बीएच कर्व है, ये जो बीएच कर्व का एरिया है, ये पूरा क्या है बीएच कर्व का एरिया है ना, ये बीएच कर्व का क्या है एरिया है, तो ये एरिया जितना ज्यादा होगा लॉस जो है वो उतना क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, क्योंकि बीएच कर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर जो बीएच कर्व है इसका एरिया ज्यादा है तो लॉस जो है वो पूछ लेंगे ज्यादा होगा कम होगा कि इंडिपेंडेंट होगा क्या होगा, तो बीएच कर्व का एरिया जितना ज्यादा होगा लॉस भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू।